गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैंने अपने इंडियन बाइक स्टैंड थोड़ी गेम के अंदर भाई बस को ले लिया। गाइस मुझे बस को ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। गाइस मैं बिग वाले एरोप्लेन के डोर के पास में जाता हूँ तो गाइस मुझे इसके अंदर बैठने का ऑप्शन मिल गया। तो जैसे गाइस मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ बिग वाले एरोप्लेन को बहुत आसानी से ड्राइव कर पा रहा हूँ। गाइस मुझे इसको ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। जैसे अपने गेम के अंदर भाई ये वाला चिटकोड में डाल के तो गाइस मेरे गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार आ गया। गाइस ये गेम के अंदर काफी ऑसम लग रही है। यहाँ पर बीएमडब्ल्यू कार को आगे से भी देख लो। गाइस गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार आगे से भी काफी अच्छी लग रही है। भाई बोल रहे थे कि हमें अभी तक भी इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर ट्रैक्टर का चिटको नंबर नहीं पता तो चलेगा। ऐसे मैं आप लोग को गेम के अंदर भाई ट्रैक्टर का चिटको नंबर भी बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर देख लो कि गाइस मैं अपने गेम के अंदर भाई मस्तंग जीटी कार को बहुत आसानी से फ्लाइंग कर पा रहा हूँ। अपने गेम के अंदर भाई कोई से भी कार को बहुत आसानी से फ्लाइंग करवा सकते हो। भाई कमेंट कर रहे थे कि हमें अभी तक भी इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई डीजे का चिटको नंबर नहीं पता। यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि गाइस मैंने गेम के अंदर भाई डीजे को चिटकोड की मदद से स्पॉन कर लिया। हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चिटको नंबर भी आ गया। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोग को ऑटो रिक्शा का चिटको नंबर भी बताने वाला। मैंने अपने गेम के अंदर भाई रेड बुल डीजे का चिटको नंबर डायल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर भाई रेड बुल डीजे भी आ गया। यहाँ पर रेड बुल डीजे को भाई साइड में से भी देख सकते हो तो चलेगा। इस समय आप लोग को रेड बुल डीजे को भाई आगे से भी दिखा देता हूं। रेड बुल डीजे गेम के अंदर आगे से भी काफी दस्तम लग रहा है। गाइस हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के ऐड में गेम के अंदर भाई बोलेरो कार को ऐड कर दिया। लेकिन गाइस मैंने यहाँ पर बोलेरो कार के मॉन्स्टर को भी ले लिया। यहाँ पर बोलेरो कार के मॉन्स्टर को भाई आरजीबी कलर में भी देख लो। गाइस गेम के अंदर बोलेरो कार का मॉन्स्टर का आरजीबी कलर में भी काफी दस्तम लग रहा है। मैं आप लोग को एक एक कर भाई ये सभी चिटको नंबर बता देता हूँ। गाइस वीडियो काफी दामेंगे तो फटाफट से को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही गाइस बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे अपने गेम के अंदर भाई बस का चिटकोड में डायल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर बस आ गया। गाइस मुझे बस को ड्राइव करने में भी काफी मजा आ रहा है। मैं आप लोग को इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई सबसे पहले बस का चिटकोड नंबर बता देता हूं। आप लोग को ध्यान से देखना है कि गाइस मैं बस के लिए कौन सा चिटकोड नंबर डायल कर रहा हूं। गाइस आप लोग को भी वो वाला चिटकोड नंबर डायल करना है। अच्छा हमको सिखा रही है। गाइस मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, बस गाइस आपको बता रहा हूँ कि गाइस आप भी अपने इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई बस को कैसे ले सकते हो और इसका चिटको नंबर क्या है। शुरुआत में स्टूडियो ने बताया कि इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के अपडेट में गेम के अंदर आप लोग को काफी सारी न्यू चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अपडेट में भी काफी लेट हो गया था, इस वजह से गाइस इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के अपडेट में गेम के अंदर भाई बस को ऐड नहीं किया गया। आप सभी को दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं, गाइस नेक्स्ट बार के अपडेट में कभी भी फ्यूचर वाले अपडेट में गाइस हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई बस को जरूर ऐड किया जाएगा। मैं अपने गेम के अंदर भाई बिग वाले एरोप्लेन के डोर के पास में जाता हूँ तो गाइस मुझे इसके अंदर बैठने का ऑप्शन मिल गया। गाइस मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो गाइस मैं बिग वाले एरोप्लेन को बहुत आसानी से ड्राइव कर पा रहा हूं। मैं आप लोग को भी बता देता हूं कि गाइस हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई बिग वाले एरोप्लेन का कौन सा चिटको नंबर है। हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के पिछली बार के अपडेट में गेम के अंदर काफी लेट हो गया था। आप सभी की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि गेम का अपडेट जल्दी दो, इसी वजह से गाइस रोड गेम स्टूडियो ने गेम का अपडेट दिया एंड गेम के अंदर बिग वाले एरोप्लेन को ऐड नहीं किया गया। भाई बोल रहे थे कि हमें गेम के अंदर अभी तक भी बीएमडब्ल्यू कार का चिटको नंबर नहीं पता तो चलेगा। ऐसे मैं आप लोग को बीएमडब्ल्यू कार का चिटको नंबर बता देता हूं। गाइस आप लोग बीएमडब्ल्यू कार को आगे से देख लो। गाइस गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार आगे से भी काफी दस्तम लग रही है। मैं आप लोग को भी बता देता हूँ कि गाइस आप भी अपने इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार को कैसे ले सकते हो और इसका चिटको नंबर क्या है। मेरे पर्सन ने बताया कि इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के ऐड में गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार को ऐड नहीं किया गया। गाइस आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बीएमडब्ल्यू कार के लिए अधिक से अधिक कमेंट करोगे गाइस इसी बार के ऐड में गेम के अंदर बीएमडब्ल्यू कार को ऐड करवा दिया जाएगा। जैसे अपने गेम के अंदर भाई ये वाला चिटको नंबर डायल कर तो गाइस मेरे गेम के अंदर ट्रैक्टर आ गया एंड गाइस ट्रैक्टर गेम के अंदर काफी दस्तम लग रहा है। मैं आप लोग को भी फटाफट से बता देता हूँ कि गाइस हमारे इंडियन बाइक स्टैंड गेम के अंदर ट्रैक्टर का चिटको नंबर क्या है। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि गाइस आप लोग को अभी के टाइम इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर भाई कोई भी ट्रैक्टर देखने के लिए नहीं मिलता। आप लोग को न्यू अपडेट में या कभी भी फीचर वाले अपडेट में गाइस हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर ट्रैक्टर जरूर देखने के लिए मिलेगा। भाई के कमेंट आ रहे थे कि हमें इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर फ्लाइंग कार का चिटको नंबर बताओ। यहाँ पर मस्तंग जीटी कार को बहुत आसानी से फ्लाइंग कर पा रहे हो। गाइस आप भी अपने गेम के अंदर भाई किसी भी कार को बहुत आसानी से फ्लाइंग कर पाओगे। आप लोग को ध्यान से देखना है कि गाइस मैं फ्लाइंग कार के लिए कौन सा चिटको नंबर डायल कर रहा हूँ। गाइस आप लोग को भी वो वाला चिटको नंबर डायल करना है। फ्लाइंग कार के लिए रोज के स्टूडियो ने बताया कि इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के अंदर फ्लाइंग कार को ऐड किया जा रहा था। गाइस फ्लाइंग कार का मॉडल अवेलेबल नहीं था, इसी वजह से गाइस इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के इस बार के अंदर भाई फ्लाइंग कार को भी ऐड नहीं किया गया। गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि गाइस मैंने अपने इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर डीजे का चिटको नंबर डायल किया तो गाइस मेरे गेम के अंदर डीजे भी आ गया। मैं आप लोग को इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर डीजे का चिटको नंबर भी दे देता हूं। अपने इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर वाला डीजे का चिटको नंबर लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक भाई डीजे के लिए कमेंट कर देना। तक बहुत भाई को अभी तक भी इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चिटको नंबर नहीं पता। मैं आप लोग को बाइक गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का चिटको नंबर बता देता हूँ। गाइस आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि गाइस मैं ऑटो रिक्शा को आसानी से ड्राइव भी कर रहा हूँ। सभी को बता देना चाहता हूँ कि गाइस अभी तक हमारे इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर ऑटो रिक्शा के चिटको नंबर को ऐड नहीं किया गया। गेम के अंदर ऑटो रिक्शा का कोई भी चिटको नंबर देखने के लिए नहीं मिलता है। देख सकते हो कि गाइस मैंने अपने गेम के अंदर रेड बुल डीजे को चिटकोड की मदद से स्पॉन कर लिया। रेड बुल डीजे को बहुत आसानी से ड्राइव भी कर पा रहा हूँ। आप लोग को इंडियन बाइक स्टैंड थ्रीडी गेम के अंदर रेड बुल डीजे का
का चिटकोन नंबर भी बता देता हूँ। अभी तक हमारे गेम के अंदर भाई रेड बुल डीजे को ऐड नहीं किया गया, इस वजह से गाइस आप लोग गेम के अंदर भाई रेड बुल डीजे को ड्राइव नहीं कर सकते हो। गाइस आप सभी को पता है कि गाइस हमारे गेम के अंदर भाई बोलेरो कार को ऐड कर दिया गया है, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बोलेरो कार के मोस्टर ट्रक का चिटकोन नंबर बता देता हूँ। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि गाइस मोस्टर ट्रक आठ कार के ऊपर ही वर्क करता है, तो गाइस आप लोग को बोलेरो कार के ऊपर भाई मोस्टर ट्रक देखने के लिए नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। नाम मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।